अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आपको मिलेगी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बगैर किसी मतलब के। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपडेट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह 30 अगस्त 2022 को मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर उससे रिलेटेड डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। मुकम्मल तफसीलात के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ कि किस जगह पर अभी कटिंग का काम शुरू हुआ है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर सरकारी ब्रिज है और ये जो दो मकानात आप देख रहे हैं इसकी अभी तक ग्रेवल का काम शुरू हो चुका है। इस जगह के ऊपर सड़क बनाने का काम का आगाज़ कर दिया गया है। फिलहाल के लिए कच्ची सड़क बना रहे हैं और इस एरिया की ब्राउनिंग शुरू कर दी गई है। यहाँ पर 400 फीट बुलेवार्ड की ब्राउनिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि एडजेसेंट मोटरवे इंटरचेंज है। बिल्कुल इस लोकेशन के ऊपर आप देख पाएंगे, ये दो लोकेशंस हैं, यहाँ पर ब्राउनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। इसी रेड सर्कल के अंदर ये जो दो मकानात हैं, 30 अगस्त की शाम में ही इसकी ग्रावट का काम शुरू कर दिया गया था। अब इस सड़क के ऊपर या इस एरिया की वीकली अपडेट्स आया करेंगी मेरी तरफ से, तो आपको हर वक्त हर पल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करेगी। ये दो मकानात हैं, इसको मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये ड्रोन फुटेज में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे। इन्हीं दो मकानात के ऊपर FDHL लिख दिया गया है और इस एरिया की ब्राउनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। आई रिपीट, ब्राउनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। यहीं पर टेंट लगा के अभी रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने दुआ खैर की है और एक्सकवेशन का काम किया है, शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर में आप ड्रोन की फुटेज देख पाएंगे, लेकिन गूगल अर्थ के ऊपर आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इस ब्रिज की राइट साइड के ऊपर ब्राउनिंग का काम का आगाज़ कर दिया गया है और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने डिज़ाइन की इंटरचेंज के डिज़ाइन का लेआउट प्लान भी जारी कर दिया है। अब हम चेक करते हैं ये इंटरचेंज की लोकेशन ठलिया इंटरचेंज से कितने दूर है। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के लिए गूगल अर्थ की मेजरमेंट टैब के ऊपर, जो कि आपको एग्जैक्ट किलोमीटर्स में बताएगा कि हमारा मोटरवे इंटरचेंज ठलिया इंटरचेंज से कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना मोटरवे इंटरचेंज और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ठलिया इंटरचेंज। ठलिया इंटरचेंज से कैपिटल स्मार्ट सिटी का मोटरवे इंटरचेंज टू बी प्रिसाइज सिर्फ और सिर्फ 10.7 किलोमीटर का बनता है। 10.7 किलोमीटर के साथ ठलिया इंटरचेंज से कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना मोटरवे इंटरचेंज, जहां से आप उतर के डायरेक्ट सोसाइटी में जा सकते हैं, उसका डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 10.7 किलोमीटर है। इस इंटरचेंज के बनने से कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप एक घंटा पहले पहुंच पाएंगे और किलोमीटर्स में आपको तकरीबन 45 किलोमीटर का डिस्टेंस बच रहा है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपने मोटरवे इंटरचेंज से आगे चक्री इंटरचेंज है, जिससे उतरकर वापस 20 किलोमीटर आपको रावलपिंडी वाली साइड पर जाना पड़ता है और फिर जाकर आता है कैपिटल स्मार्ट सिटी का चक्री रोड से मेन एंट्रेंस गेट। अब हम चलते हैं अपनी ड्रोन फुटेज के ऊपर। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो रोड नज़र आ रही है, ये मेन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है और यही है वो ब्रिज जो कि मैंने गूगल अर्थ पर आपको शो किया था, गवर्नमेंट का सरकारी ब्रिज, जिसको बाद में होपफुली ये चौड़ा भी करेंगे ताकि मोटरवे के सामने की जो ज़मीन है जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक्वायर किया है, और वो जो पीछे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, यहाँ पर इंजीनियर्स एक लग्जरी स्टे कर रहे हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं जिनकी यहाँ पर रेजिडेंस है। इसी साइड पर ओवरसीज़ प्राइम बनेगा, जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ओवरसीज़ प्राइम 2। और इस ब्रिज की राइट साइड के ऊपर ये हैं वो दो मकानात जिसके ऊपर FDHL लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और इसी इवेंट के दौरान ही शाम को 4 से 4:30 बजे तक यहाँ पर इन्हीं दोनों मकानात की ग्रावट का काम शुरू कर दिया गया था, इसका मैं खुद आई विटनेस हूँ। ये आप नीचे देख सकते हैं, मट्टी डंपिंग शुरू कर दी गई है, ब्राउनिंग शुरू कर दी गई है, इस जगह की लेवलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये जो एरिया ब्राउनिंग हो रही है, यहाँ पर मेन 400 फीट की रोड नहीं बननी, बल्कि यहाँ पर एज़ पर द डिज़ाइन
टूल प्लाज़ा बनना है। इन दो मकानात की राइट साइड के ऊपर जो आपको ग्रीनलैंड नज़र आ रही है, इस साइड के ऊपर आपका बनेगा 400 फीट का बुलेवार्ड, जिसके एडजेसेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ब्राउनिंग का काम शुरू कर दिया है। ये ब्राउनिंग का काम जैसे ही 1.5-2 माह में क्लियर हो जाएगा तो उम्मीद है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को टेम्परेरी इंट्रेंस मिलेगी। ये जस्ट मेरा अजम्पशन है, बिकॉज कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने इवेंट में टेम्परेरी इंट्रेंस की कोई भी बात नहीं की, जस्ट ये बात की है कि इंटरचेंज से रिलेटेड ग्राउंड वर्क के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इंटरचेंज के एडजेसेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी की बुलेवार्ड के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। यही बुलेवार्ड है, इसी बुलेवार्ड को एक्सेस करते हुए आप ओवरसीज सेंट्रल, ईस्ट, प्राइम और फिर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक तक एक्सेस आप कर पाएंगे। और जैसे ही FWO अपनी मशीनरी डिप्लॉय करेगा और कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंटरचेंज की एक्सेस अब फाइनली दे देगा, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना ग्राउंड लेवल या ग्राउंड वर्क्स मुकम्मल होगा, जिसकी बिना के ऊपर फर्दर जो हमें 3-4 माह चाहिए होंगे वो हमारी टाइम सेविंग हो सकेगी। मैं आपको एग्जैक्टली मुजीब साहब डायरेक्टर स्टेजल मार्केटिंग के वर्ड्स बता रहा हूँ कि अक्टूबर 2023 में हम मोटरवे से अपनी व्हीकल्स, आम सिटीजन्स जो हैं अपनी व्हीकल्स इस मोटरवे के थ्रू कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंटर कर पाएंगे। यही है दो मकानात जिनको गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ये सरकारी सड़क है और उसके साथ ये मोटरवे इंटरचेंज। अक्टूबर 2023 की अनाउंसमेंट का मतलब है कि अगर आप एक साल भी लगाएं इंटरचेंज बनाने में FWO की तरफ से, तो मिनिमम भी अक्टूबर तक होपफुली FWO की मशीनरी आप डिप्लॉय हो जाएगी, जो कि एक पीछे एक ब्रिज बनाएगी और इंटरसेक्शन देगी टुवर्ड्स कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज। जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इंटरचेंज के एडजेसेंट 400 फीट की बुलेवार्ड जो बनानी है, वो उसकी तामीर का काम कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने आगाज़ कर दिया है, जिसका सीधा सीधा साफ साफ एक ही बात का इशारा मिलता है कि आपकी FWO 1-2 माह के अंदर किसी भी टाइम यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय करके डेवलपमेंट का काम शुरू कर देगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, अप्रूवल NHA की मिल चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ FWO की मशीनरी की डिप्लॉयमेंट का वेट है। जैसे ही FWO की मशीनरी डिप्लॉय हो जाएगी तो आपको एक चीज़ हकीकत है वो होती नज़र आएगी। अगर इसी हकीकत में कोई चीज़ या किसी चीज़ की कमी होती तो कैपिटल स्मार्ट सिटी कभी भी इस इंटरचेंज के एडजेसेंट 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर काम ना करता और इतने सवेर प्रेशर में कभी भी इस तरह का ब्लेंडर ये ना करते। इस बात के ऊपर आपको बिल्कुल भी शक व शुबात नहीं होने चाहिए कि इंटरचेंज के ऊपर किसी भी टाइम FWO अपनी मशीनरी डिप्लॉय कर सकती है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक साल से स्ट्रेटजीज और असेसमेंट्स और इनकी पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं वो ये चीज़ देख लें कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जब ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग की तो आप लोगों ने इंटरचेंज का रोला डाला और अपने फाइलों को बैलेटिंग तक नहीं लेके आए। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने खामोशी से बैलेटिंग कर ली, मुकम्मल कर ली और साथ ही NHA का अप्रूवल लेटर शेयर कर दिया और आप लोग देखते ही रह गए कि आप लोगों के साथ हुआ क्या। इसी तरह ओवरसीज़ प्राइम की और ओवरसीज़ प्राइम 2 की लॉन्चिंग की और आप लोग शस्तर रह गए कि यार इंटरचेंज आई नहीं, न्यू ब्लॉक आ गया, जबकि उसी की 2 वीक्स के बाद इंटरचेंज के एडजेसेंट 400 फीट बुलेवार्ड का काम शुरू कर दिया। आप लोग फिर क्वेश्चन करते रहेंगे और फिर 1 माह के अंदर जब FWO अपनी मशीनरी लगाएगा, फिर इन्हीं फाइलों के ऊपर जब 6-7 लाख ऑन चला जाएगा, ख़ास करके ओवरसीज़ प्राइम 2 में फ्रेश बुकिंग के ऊपर, और फिर आप लोग यही कहेंगे कि यार अब तो महंगा हो गया, अब हमारे बजट में नहीं है। ये राइट टाइम है परचेजिंग का, ओवरसीज़ प्राइम 2 में आपको फौरी परचेजिंग करनी चाहिए। फिर ना कहिएगा कि यार टाइम हाथ से निकल चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इंटरचेंज के एडजेसेंट अपनी ज़मीन के ऊपर ब्राउनिंग का काम शुरू कर दिया है। और इस ब्राउनिंग का मतलब ये है कि ना ही मार्केट में र्यूमर चल रहा था कि शायद हम इंटरचेंज थोड़ा सा रिलोकेट करें, तो उस रूमर को कैपिटल स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय करके किल कर दिया है।
आपकी ना इंटरचेंज रिलोकेट हो रही है और ना ही कहीं पर पेपर वर्क में इशू है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय करके ये बात साबित कर दी है कि इंटरचेंज भी यहीं पर बनेगा और FWO भी बहुत जल्द यहाँ पर अपनी मशीनरी डिप्लॉय कर देगी। आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट के ऊपर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए और इंटरचेंज 2022 में प्रॉपर मशीनरी लगते हुए आपको नज़र आएगी। यही राइट टाइम है परचेजिंग का, परचेजिंग करें और फिर रिग्रेट ना करें। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स मेरे वीडियो पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 0331-3444-004। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।